आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, यानी इंटीग्रेशन करके अपने पास दे रखा है। वेयर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स आर इंटीजर एंड बॉक्स एक्स, ये जो बॉक्स एक्स है वो अपने पास दे रखा है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इज अपने पास क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो अपने के पास किसके बराबर होगा वो अपने के पास बताने हैं। चलिए काफी ज्यादा आसान है, सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने के पास इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो इफ द इंटीग्रल अपने के पास आई इक्वल टू किसके बराबर है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के दस के बीच में, और यहाँ से अपने किसके बराबर देंगे साइन टू पाई एक्स, और इसका भी अपने पास क्या दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर है, तो ई की पावर में एक्स माइनस बॉक्स के बराबर दे रखा है, और इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स की रिस्पेक्ट में। जैसे ही अपने के पास ऐसे क्वेश्चन है, और अपने पास देखिए लिमिट अपने पास काफ़ी ज़्यादा 10 है, अगर आप इसको पीरियोडिक फंक्शन की तरह से देखेंगे तो अपने पास कुछ आसान हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाले को देखते हैं तो यहाँ से अपने पास साइन एक्स का ये अपने पास पीरियड बताइए, साइन एक्स का जो पीरियड होता है ना टी, वो अपने पास किस बराबर होता है, टू पाई के बराबर है, ठीक है। तो वहीं पर अपने पास साइन टू पाई एक्स, टू पाई एक्स का जो पीरियड हो जाएगा ना वो अपने पास टी डैश, वो अपने पास वन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको अपने पास टू पाई से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक कोएफिशिएंट यहाँ पर है, तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, वन के बराबर, साइन टू एक्स आ गया। सिमिलरली अपने पास एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स ये अपने पास कुछ नहीं है बल्कि ये अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है ना वो अपने पास वन के बराबर होता है, और नीचे आप कॉन्स्टेंट लगा दीजिए या कुछ भी लगाइए, हमेशा अपने पास पीरियड किस बराबर आ जाएंगे, वन के बराबर ही। इसका अपने के पास टी डैश टी डबल डैश इक्वल टू वन के बराबर, इस दोनों का अपने पास पीरियड निकालिएगा साइमल्टेनियसली, तो अपने पास फाइनल जो पीरियड होगा टी वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो फाइनल जो पीरियड होगा वो वन के बराबर ही होगा, यानी इसका जो पीरियड हो गया वो अपने पास वन के बराबर, यानी यहाँ से अपने के पास पीरियोडिक फंक्शन अपने पास फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर अपने पास टेन डायरेक्ट बाहर उतर जाएगा और जीरो से लेकर के वन तक, और यहाँ से अपने पास जाएगा साइन टू पाई एक्स। अभी अपने पास कुछ इंटरवेस नहीं करें, बस अपने के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो लगा लिए, या अपने पास ई की पावर में बताइए, ई की पावर में एक्स माइनस बॉक्स एक्स के बराबर, ठीक है, और ये आगे अपने पास किस बराबर है, डी एक्स के बराबर। अब देखिए यहाँ पर अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, आई इक्वल टू टेन, और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के, अब आपने पास क्या कीजिए, ये अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास साइन टू पाई एक्स, साइन टू पाई एक्स अगर आप गौर से देखते तो वन डालेंगे तो ये साइन टू पाई तक जाएगा, अपने पास कहाँ तक जाएगा, साइन टू पाई तक, ये अपने पास कुछ इस तरीके के जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने पास जीरो और अपने पास कहाँ तक, वन बाई टू तक देखेंगे तो ये जो आपने पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा जीरो होगा, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने पास माइनस वन हो जाएगा, हाँ या ना, तो आपने पास ये जो स्प्लिट होगा वो आपने पास वन बाई टू पे स्प्लिट होगा, और नॉमिनेटर तो आपने पास वन बाई टू तक जीरो हो जाएगा, नीचे आपने पास ई की पावर में एक्स बच जाएगा बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से, वन बाई टू से लेकर के वन तक, और अपर अपने पास ये जो अपने पास इसका जो वन बाई टू से लेकर वन तक डालेगा तो ये अपने पास माइनस वन के बराबर होंगे, और ई की पावर में एक्स, और ये तो अपने पास अगेन फिर भी जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर में एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो दिस वन इज कैंसिल आउट, ये आगे अपने पास जीरो के बराबर, यानी अपने पास फाइनल जो आई आएंगे, कौन सा आई, जो अपने पास इंटीग्रेट करके जिसका वैल्यू बताना है, यहाँ से अपने पास फाइनल जो आई आएगा वो अपने के पास आ जाएंगे टेन, और इंटीग्रेशन वन बाई टू से लेकर के अपने पास वन तक, और यह अपने पास माइनस वन और ई की पावर में, यानी तो माइनस ई की पावर में माइनस एक्स के बराबर, और ये आगे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में डी एक्स, यहाँ से आगे अपने पास टेन और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ई की पावर में माइनस एक्स, और यह आगे अपने पास अपॉन में माइनस वन के बराबर, और लिमिट पुट कर लीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वन बाई टू लोअर लिमिट अपर लिमिट वन के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया टेन और ई की पावर में माइनस वन, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स ई की पावर में माइनस वन बाई टू के बराबर। अगर आप फंक्शन देख रहे हैं तो आपने कुछ इसी तरीके का दे रखा है, यहाँ से बताइए ई की पावर में या आपने कहा टेन ई के पावर में माइनस वन, और माइनस टाइम्स टेन ई के पावर में माइनस वन बाई टू के बराबर, और प्लस टाइम्स आपने कहा जीरो के बराबर, क्योंकि आपने कहा फंक्शन में गामा भी दे रखा है। यहाँ पर बताइए कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आ गया दस के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया आपने कहा माइनस दस के बराबर, और गामा इक्वल टू आ गया आपने कहा जीरो के बराबर, सारे का सम कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया आपने कहा जीरो के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो आपने कहा जीरो के बराबर, जीरो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बराबर। तो इसके जो आंसर होंगे वो आपने कहा किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर ही हो जाएंगे, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस आपने कहा सोचने वाली बात थी, यहाँ पर आपने कहा पीरियड घुसा दिया, तो इस पीरियड के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं ना कि बैकबोन ऑफ कैलकुलस आपने कहा क्या कहलाते हैं, तो फंक्शन कहलाते हैं, और ये सब आपने कहा पढ़ाए कहाँ जाते हैं, ये सारे जो कंसेप्ट है वो आपने कहा कहाँ के हैं, तो फंक्शन के।
तो हम ये कह रहे हैं कि जो जो फंक्शन जो चैप्टर है ना, ये फंक्शन चैप्टर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते फंक्शन चैप्टर में। हालांकि कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आपके पास मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपका फंक्शन बर्बाद हुआ तो आने वाले कैलकुलस के 8 चैप्टर तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, आप चाह के भी कैलकुलस नहीं सीख पाइएगा अगर आपका फंक्शन बर्बाद है। अगर जिसको ये नहीं पता है तो इसके मोए मोए होने वाले थे, कहाँ से अपने पास इसको सॉल्व करने बैठते हैं, या अपने पास 0 से लेकर के 1 तक ले जा, 1/2 तक अपने पास इसको क्या करना पड़ता है पता है? अगर आपको पीरियड नहीं आता तो, पीरियड अगर आपने के पास नहीं आते तो आपने के पास क्या करना पड़ता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अभी ये हट जा, ठीक है, पीरियड नहीं आते तो ये आगे आपने के पास 0 से लेकर के 1/2 तक ले जाना पड़ता, फिर 1/2 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 तक, फिर 1/1 से लेकर के अपने के पास 3/2 तक। ठीक है, ऐसे आपने के पास सॉल्व करना पड़ता और फिर मोए मोए वाले मोमेंट आपके साथ होते। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा बराबर। तो ये थे आपने के पास जेई मेन्स के 17 मार्च 2021 के सिर्फ 2nd का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो हम कह रहे हैं कि आपने के पास पीरियड वीरियड थोड़े बहुत आनी चाहिए और बना करके डेफिनेटली आइएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स हैप्पी स्टडी एंड गुड बाय।